अब धनबाद में झारखंड का दूसरा स्थान रखने वाला कुल्फी स्टोर का शुभारंभ धनबाद सरायढेला बिग बाजार के बगल में बॉम्बे कुल्फी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन धनबाद के डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। मुंबई कुल्फी स्टोर धनबाद का पहला और पूरे झारखंड में दूसरा स्थान रखने वाला कुल्फी स्टोर है, जो विश्व स्तरीय लार्जेस्ट कुल्फी ब्रांडेड नाम से जाना जाता है, जो पूर्णतः एसी युक्त है। यह सेंटर क्या गरीब क्या अमीर सभी लोगों के लिए। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर पीयूष सिंह, कुमार उत्तम, ऋषि अग्रवाल, हिमांशु के अलावा धनबाद के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आइए जानते हैं बॉम्बे कुल्फी सेंटर में उपस्थित लोग क्या कुछ वितरण दे रहे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद से विजय रवानी के साथ अकरम रजा की रिपोर्ट। जैसे कि जो ये बहुत समय से मतलब धनबाद में जैसे कि नेचुरल्स का जो आइसक्रीम का जैसा प्रोडक्ट है बॉम्बे कुल्फी जैसे लॉन्च होने की संभावना थी, पहले भी लॉन्च ये तल गया था और अभी आज जैसे हमने लॉन्चिंग किया है इसका जो बॉम्बे कुल्फी का, इससे क्या है कि ये पूरा टोटल नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, दूध जैसे नेचुरल होता है, गाय के होता है नेचुरल, और ये धनबाद में ये दूसरा पहला शॉप है और देवघर मतलब इसका झारखंड में ये दूसरा नंबर पे। तो इससे क्या है कि जैसे कि जहाँ के यहाँ के जैसे माहौल जैसे स्टूडेंट्स हुए हैं और जितने भी ये हुए उनको अच्छी मतलब आइसक्रीम खाने की मतलब ये गर्मी में जो होता है वो आराम का माहौल मिलेगा सर। कि काफ़ी समय से झारखंड में आपको नेचुरल कुल्फी और इसकी मतलब बहुत कमी थी स्टोर के, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कुल्फी ब्रांड है, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट कुल्फी ब्रांड है और नेचुरल बेस फ्रूट का जो पल्प आता है उस पे ये बना हुआ कुल्फी है। इसके जो विशेषताएं आपको जैसे इसके गुआवा भी थे, सॉल्ट एंड चिल्ली लोग ट्राई करते हैं, कैलकटा पान है, ओरियो है, अल्फांजो मैंगो है, ये सारा विभिन्न विभिन्न फ्लेवर के यूनिक टेस्ट के कुल्फी है। और इंडिया के बाहर इंडिया में लगभग ये 60 से 70 इसका स्टोर है। हम तो यही चाहेंगे कि दुकान आज ये खुला कल एक और खुल जाए, बढ़िया चले। हाँ, अलग तो है, हमको लगता है कि धनबाद में ये पहला दुकान होगा, इस टाइप का पहला दुकान होगा आइसक्रीम। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।